एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर म्यूकरमाइकोसिस का आतंक जारी है। ब्लैक फंगस से जिले में 8 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं नागपुर जिले के अलग अलग अस्पताल में 200 ब्लैक फंगस के शिकार हुए मरीजों पर इलाज जारी है। शहर में एक तरफ कोरोना का आतंक कुछ हद तक कम ही हो रहा था कि अचानक कोरोना संक्रमण अपने दूसरे साथी ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस से लोगों को मौत की नींद सुलाने में आमता हुआ है। ब्लैक फंगस से अब तक शहर भर में कुल 8 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि नागपुर जिले के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस से जूझ रहे ऐसे तकरीबन 200 ब्लैक फंगस हुए मरीजों का इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में बीते साल कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से अब तक 52 लोगों की म्यूकरमाइकोसिस बीमारी से मौतें हो गई है। आखिरकार म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की ये बीमारी कितनी जानलेवा होती है और इसके क्या लक्षण हैं, आइए जानते हैं। इस समय फोन लाइन पर मौजूद है नागपुर के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे, जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने आइए देखते हैं। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ में मेडिकल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अविनाश गावंडे साहब है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस ये जो डिसीज है ये कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज 7 लोगों की म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से मृत्यु हो चुकी है। इस समय में हमारे साथ में फोन लाइन पे डॉक्टर अविनाश गावंडे जी जुड़ गए, उनसे जानना चाहेंगे। गावंडे साहब, ये बताए कि जिस तरह से ये जो कामकाज हो रहा है म्यूकरमाइकोसिस का, क्या कहना चाहोगे, कितने लोगों की जाने गई है और कितना खतरनाक होता है ये डिसीज? नहीं, ये जो बीमारी है ये जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसमें ये बीमारी के लक्षण दिखाए जाते हैं। जनरली अभी कोविड सब पैंडेमिक शुरू है, कोविड में वैसे ही उसकी इम्यूनिटी कम होती है, इसके साथ कुछ दवाएं दी जाती है उसके कारण भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। और उसके इसमें यदि उसका संसर्ग हुआ, म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगस है, उसका संसर्ग हुआ तो वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसका जहाँ पे भी जो भी ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है या संसर्ग होता है वो ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कभी कभी इसमें इसका सीरियस टर्न भी ले सकता है, एक आधी बार आँख यदि इन्वॉल्व होती है तो आँख निकालना जरूरी है, नहीं तो वहाँ से वो ब्रेन की तरफ उसका संसर्ग बढ़ सकता है और ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है बीमारी। सर, ये पता की कितने उम्र वाले लोगों को ये बीमारी हो सकती है? ऐसा नहीं है, ये कभी भी जनरली मिडल एज और ओल्ड एज लोग जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ज्यादा बीमारी होती है, और जिसको ऐसी दवाई मिल चुकी या ऐसे लक्ष्य है कंडीशन की जिसमें उसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें हो सकती है। सर, अगर इन्फेक्शन होता है एक आंख चली जाती है, लेकिन लोगों की मृत्यु हो रही है, 7 लोगों की डेथ हो चुकी है, ऐसा एक रिपोर्ट आई हुई है, क्या कहना चाहोगे साहब? हाँ, इसका ऐसा ही है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कौन से ऑर्गन में है, एक आधे बार समझो अपना उसका इन्वॉल्वमेंट जबड़े में है तो जबड़े में की ट्रीटमेंट किया तो वो हो जाता है, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट यदि आँख में है तो आँख से ब्रेन का जो फासला है वो पास में है, तो वो जो बुरशी है, जो फंगस है, वो ब्रेन में भी जा सकती है, ऐसे इसमें उसकी डेथ हो सकती है। सर, कितने लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है? सर, उसका एक्चुअली इतने नोटिफाइबल डिसीज नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट तो बोलना डिफिकल्ट है कितने लोगों, लेकिन काफी लोगों की होने के चांसेस यदि बराबर मैनेज नहीं हुआ तो। चलो सर, जाते जाते आखिरी का सवाल ये कि अगर इस तरह की डिसीज अगर लोगों में दिखाई देते तो लोगों ने किस प्रकार की प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसा आपको लगता है? सर, सबसे पहले तो खुद की इम्यूनिटी अच्छी रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उसके लिए करना चाहिए। वो होने के बाद कुछ भी लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा के डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी हो सकती है यदि डायग्नोज जल्दी हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अविनाश गावंडी जी हमारे साथ में थे, दर्शकों जिन्होंने बखूबी बेवक के साथ बात करते हुए ये इस डिसीज के बारे में जानकारी दी है। अब हम लोगों ने भी पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऐसा कहते हैं, और हम सतर्क रहे, सावधान रहे और खुश रहे, यही समय की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गावंडे साहब। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।